देखो इस वीडियो के अंदर मैं हैवल की यानी ग्रेट वॉल मोटर कंपनी की उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। हालांकि इस कार कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ये कार कंपनी रेडी है अपनी पहली कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। इस कार कंपनी की पहली कौन सी कार रहने वाली है यानी किस कार को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना। जो सबसे पहली कार आती है ग्रेट वॉल मोटर कंपनी की तरफ से जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है वो है हैवल की F5। हालांकि इसका एक्सटीरियर लुक काफी कमाल का है यानी ये एक्सटीरियर से दिखने में काफी जबरदस्त लगती है और इसके इंटीरियर में काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV कार है। इस कार को सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया था और इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल 2021 में आया था और जब ये लॉन्च हो जाएगी ऑफिशियली इंडिया में तो ये कंपीट करेगी टाटा हैरियर के साथ। इसके अलावा इसका मुकाबला MG हेक्टर के साथ भी रह सकता है। अगर हैवल कंपनी इस कार को हेक्टर या फिर हैरियर के सेगमेंट में उतारती है तो इसकी कीमत 13 या फिर 14 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। इस कार को 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया जा चुका है और इसको मार्च 2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है हैवल कंपनी की तरफ से जिसको सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है F7। हालांकि ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV कार है, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसका एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसको 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था जो कि दिल्ली में होता, तब इसके बहुत सारे फीचर्स सामने निकल कर आए थे। आप इसका एक्सटीरियर लुक देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हैवल की F7 के अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, F7 जो कि कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV कार है, इसके अलावा F7X जो कि एक कूपे स्टाइल SUV कार है। इस कार को अगले 1-2 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाना है और इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है H2। ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV कार है, इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं लेकिन पर्सनली मुझे इसका एक्स्ट्रा लुक इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। हालांकि ये एक एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट SUV कार होने वाली है तो इसका एक्सटीरियर लुक आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। यानी कम कीमत में जितनी भी कार आती है ये कार उस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस कार को मलेशिया, इसके अलावा ईरान और यूरोपियन कंट्रीज में बेचा जाता है। इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसको मिड 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत लगभग 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली चीज, इस कार को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं तो ये कार सेफेस्ट भी मानी जाती है। वही जो 4th नंबर की कार आती है हैवल कंपनी की तरफ से वो है H9। इस कार को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, इसका एक्सटीरियर लुक भी काफी ज्यादा कमाल का है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा था कि ये इंडिया में लॉन्च होने के बाद सफारी और XUV700 के सेगमेंट में लॉन्च हो जाएगी लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं और इसका एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा जबरदस्त है तो डेफिनेटली इसका जो सेगमेंट रहने वाला है वो XUV700 के ऊपर वाला रहने वाला है। यानी इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। इसका एक्सटीरियर लुक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसका फ्रंट फीचर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और रियर से ये कार दिखने में काफी ज्यादा कमाल की दिखती है। वही अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाता है। जब इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो इसके अंदर सेम इंजन स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। इस कार को मई या फिर जून 2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है हैवल कंपनी की तरफ से जिसको इंडियन मार्केट में अगले साल यानी 2022 में लॉन्च किया जाना है वो है कॉन्सेप्ट एच। इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है और इस कार में जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा वो है इसका लाइटिंग सेटअप और इसके फ्रंट के ग्रिल्स। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया हुआ है इस कार के अंदर और एक्सटीरियर से ये कार दिखने में काफी ज्यादा कमाल की है। जब ये कार इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो इसका नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है, यानी जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहने वाला है उसका नाम कंपनी थोड़ा सा अलग दे सकती है लेकिन 2020 के ऑटो एक्सपो में इसको कॉन्सेप्ट एच नाम से उतारा गया था तो ये आने वाला समय बताएगा। हैवल कंपनी इस कार को अगले साल यानी 2022 में इंडिया में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत लगभग 12
12 या फिर 13 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो ये पांच कारें थी हैवेल कंपनी की तरफ से जिनको अगले साल यानी 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको हैवेल की अपकमिंग पांच कारों के बारे में डिटेल में जानकारी दी। यहाँ पर इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनका एक्स्ट्रा लुक अच्छा खासा है, लेकिन कुछ कारें मुझे इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।